प्लॉट पर पहुंच गए। मेरे फिलहाल टाइम हो रहा है 7:30 और प्रवीण रेडी है, अब बाइक ये चलाएगा। 100 किलोमीटर कर दिया हमने और एक बार टैंक फुल कराते हैं फिर से। गाइस तुम्हारा भाई आ गया पहाड़ों में और साइड में से बह रही है अपने गंगा मैया पूरी। आज है 25 फरवरी 2022। वो टाइटल थंबनेल से आप लोगों को पता पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और फिलहाल टाइम हो गया 8:37 38 हो गया, सॉरी। सो रात के 8:38 हो गए और मैंने अपनी बाइक वाइक जो है बिल्कुल रेडी करा दी है और अभी चल रही है पैकिंग। और कैमरा भी निकाल लिया, ये भी चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 डंडे बचे हुए हैं बस बैटरीज के। और अपने पास ये है बैग, एक तो ये वाला जा रहा है अपने साथ में एंड दूसरा जा रहा है ये वाला। वो पूरा पसारा पसारा पड़ा भाई, वो सामने हेलमेट वगैरह भी देख सकते हो। हेलो नमस्ते सर, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज टॉम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एम टी। मंदा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज नायरा सोई हुई है। नायरा को आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा, अपने फिलहाल करता हूँ पूरी पैकिंग वैकिंग कंप्लीट। और भाई अभी आ गई थी बाहर बारिश, सो अपना प्रोग्राम कैंसिल होने वाला था क्योंकि वही बारिश आ गई है। बट मैंने अपने गूगल आंटी से देखा सर से मार के, तो मॉर्निंग में बिल्कुल क्लियर मौसम है तो निकल जाएंगे मज़े से। और आपको सुबह भी दिखाऊंगा बाइक, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बजे हुए 6:30 और फिलहाल हो गया हूँ भाई रेडी बिल्कुल नहा धो के। पर उनका कॉल आ लिया, वो पहुँच गया अपने लोकेशन पर, उसको पिक करूँगा और सामान दिखाता हूँ पहले क्या क्या जा रहा है अपने साथ में। ये बैग पूरा लोड हो चुका है, ये बैग के पीछे में देगा एंड सैमट, ये है एक बैग लैपटॉप बैग, इसमें सब टूटने चार्जर वगैरह जो भी है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वे सब इसके अंदर में रख दिए हैं। अभी ये लैपटॉप डाल दूँगा, दोनों हेलमेट हो गए, ठीक है। ये अपना मोटर व्लॉग उनका सेटअप रेडी और गार्ड अप पहनने वाला हूँ। प्लॉट पर पहुँच गए, मेरे फिलहाल टाइम हो रहा है 7:30 और प्रवीण रेडी है, अब बाइक ये चलाएगा मतलब हरिद्वार तक। ये दीपक क्या हाल है? बढ़िया। और भाई ये वाला टोपो में उड़ने वाला है। किलोमीटर कर दिया हमने और अभी हम बागपत वाले कस्कर पीछे बागपत है। अभी गूगल पर सर्च मार रहे थे कि मेरठ वाला सही रहेगा बागपत वाला, तो बागपत वाले से हम कट ले रहे हैं और उसके बाद सीधा निकल जाएंगे। लगभग 3.5 घंटे का सफ़र और है। और ये अपना प्रवीण सेठ एंड ये खड़ी अपनी रानी। और भाई एक चीज़ बता दूँ, मैंने अब तक भी मोटर व्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि आधी दूर चला रहा था प्रवीण बट, और वैसे दिखाने का रास्ता कुछ नहीं था भाई, पर अब करूँगा मोटर व्लॉगिंग क्योंकि अब आएंगे नज़ारे, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में लास्ट तक। ऑलराइट गाइस, तो चल दिया है अभी भाई और 184 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से हरिद्वार। तकरीबन हमने ये लगा लो 100 किलोमीटर कर दिया है कवर, और 100 किलोमीटर हमने किया है लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे में। ये आ गए सामने बागपत गाजियाबाद, हमें जाना सीधा बागपत वाले पर। भाई बाइक में ना थोड़ी दिक्कत आ रही थी थोड़ी पीछे की तरफ क्योंकि रात को हुई थी बारिश, तो इसकी पलक में चल गया पानी। और कल वॉशिंग भी कराया था इसको, तो पूरी तरह से आपको दिखाया भी नहीं है वैसे तो अभी कि बाइक में क्या क्या चेंजेस करवाए हैं, सब चीज़ बता दूंगा। बाकी आ गया अपना टूल प्लाजा, एक वो पानी गया है सूख, तो अभी चल रही है बढ़िया, पावर अच्छी खासी दिखा रही है। बाकी भाई 80 या 90 लास्ट 90 से ऊपर में जा रही क्योंकि हवा बहुत तेज है, तो विंड ब्लास्ट हो रहा है ना जिसकी वजह से हवा कम होगी तब तो 100 चली जाएगी, जिसके पास रॉयल एनफील्ड उनको मालूम होगा। बस भाई बहुत भयंकर वाला जाम रुड़की में, खतरनाक वाला। पूरी बाइक भाई मिट्टी में सन गया, बारिश आ गई थी और पेट्रोल एक बार टैंक फुल कराते हैं फिर से। गाइस हरिद्वार पहुंच चुके हैं फिलहाल और अभी टाइम हो रहा है 2 बजे हुए हैं, मतलब 1:40 पर पहुंच गए थे, चाय वाय पिया यहाँ पर टपरी पर। और ये खड़ी हुई है बाइक,
अभी का प्लान कुछ ऐसा, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से टूवर्ड्स ऋषिकेश, और ऋषिकेश करेंगे इसके वहाँ से नीलकंठ वगैरह जो भी है देखना है, फिर कल आएंगे यहाँ से, कल जाते का मंसूरी जाएंगे, फिर उसके बाद में आएंगे हरिद्वार पूरा कवर करके तब निकलेंगे। अभी फ़िलहाल हूँ हरिद्वार में हल्की पौड़ी, ठीक है जी, और मौसम का अपडेट दे दूँ तो बारिश हो रही है भाई हल्की हल्की। जय हो गंगे मैया। ये भाई परली तरफ का जो पानी है वो सारा जा रहा है हल्की पौड़ी की तरफ, और ये बाकी इस तरफ आ गया, बाकी पानी बहुत ज़्यादा आ रहा भाई क्योंकि ऊपर पहाड़ों में ज़्यादा है, बारिश हो रही है, और वो सामने हल्की पौड़ी, वो एक मन तो कर रहा भाई नागे चला। गाइस तुम्हारा भाई आ गया पहाड़ों में, और वही ऋषिकेश पहुंच लिए हैं, थोड़ा और है और देखिए पीछे जंगल, और परवीन की लग गई है भाई वाट, रूम पर पहुंच कर दिखाऊंगा कि क्या वाट लगी है। फिलहाल लक्ष्मण झूले के आसपास कोई रिजॉर्ट लेने की सोच रहे हैं जो रिवर साइड हो, मूंग दाल लिए भाई। परवीन कैसा लग रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है? 200 किलोमीटर बढ़िया लगा। यार है इंजन लक्ष्मण झूला, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं अपनी तरफ उनकी ये लाइन, अपनी तरफ से राइट साइड से आने वालों की, तो बीच में से पब्लिक निकलेगी, पैदल चल रहे हैं क्या व्यू गाइस। अभी हम हरिद्वार में और शाम के बजे हुए हैं 5, और भाई अपने साथ आज बहुत बुरी बनी है, मतलब बुरी घनी बुरी बन गई है, क्योंकि भाई ऋषिकेश गए थे, ऋषिकेश में एक भी रूम अवेलेबल नहीं है होटल में कहीं पर भी, ऑनलाइन बुकिंग हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि कई बार हम धोखा खा चुके हैं, क्योंकि मैं करता हूँ अपने आप को देखे विश्वास, तो वहाँ पर एक भी हमें जो है रूम अवेलेबल नहीं मिला, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को रूम अवेलेबल नहीं होता है बिल्कुल वहाँ ऋषिकेश में, तो इसलिए हम वापसी आ गए हरिद्वार। हरिद्वार में भी ये भी बड़ी मुश्किल से एक नॉर्मल सा देखो मिला एक रूम, बाकी एसी वैसी तो सब एसी की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ, और भाई अभी फिलहाल जा रहे हैं फिलहाल पेट पूजा करने के लिए, तो भाई चल दिया अभी बाहर घूमने को। तो सबसे बढ़िया भाई बात लग बताऊं, अपनी बाइक को मिल गई पार्किंग, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अभी निकल रहे हैं भाई बाहर रेडी होकर, ठीक है भाई। सभी खा रहे खाना, फिर तुम कहोगे दिखाया नहीं तो बता देता हूँ भाई, बैंगन का भरता, दाल बटर फ्राई, तवा की मिर्च रोटी है, बटर ग्रीन सलाद, अचार और मिर्च वगैरह जो भी है, ये अपना लौंडा लगा हुआ है सुबह से भाई नसीब नहीं हुए ढंग से, लोग खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद बहुत पानी है भाई, रबड़ी रबड़ी वेट गए। अभी यहाँ फिलहाल हम हल्की पैड़ी पर, और खाना भाई बढ़िया था ठीक, एंड खा पी कर अभी घूमने के लिए आए थे, और भाई जैकेट ना पहन के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बहुत भयंकर वाली चल रही है हवा ठंडी, क्या ठंड, तो अभी जा रहे हैं फिर फटाफट से रूम पे, रूम पे जाने से पहले खाना भाई रबड़ी, उसका स्वाद भी बताता हूँ कैसा है, दिखने में तो बढ़िया लग रही थी, बाकी पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी, और फिर अभी तक हमने गंगा में स्नान नहीं किया है, वो करेंगे हम मॉर्निंग के टाइम में सुबह 6 या 7 बजे आकर। वैसे बह रही है अपने गंगा मैया पूरी, Thank you.
गाइस ये ले लिए रबड़ी, मलाई रबड़ी, स्वाद देखते हैं इसका। कल बनाऊंगा रील्स। फिलहाल आ गए भाई रूम पे, 7:51 टाइम हो रहा है फिलहाल। और भाई अभी डाटा ट्रांसफ़र कर लिए इस कैमरे के जरिए है, हो गया तो परवीन की आ रही है भाई नींद, क्योंकि आज पूरे रास्ते इसने बाइक चलाई है, लगभग नहीं तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा इसने बाइक चलाई है। ठीक है, अभी इसको डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वीडियो एडिट करते हैं, अब फिर अपलोड पर लगाऊंगा। अपलोडिंग करता नहीं मैं लेट नाइट तक, बस अमित तेरी वजह से कर रहा हूँ लेट तक। ठीक है, अभी भाई लगभग मेरे को 10 या 11 बज जाएंगे सोते, तो जी फटाफट से निपटाते हैं इस वीडियो को, एडिट वेडिट करके अपलोड करते हैं और मॉर्निंग में इसको 8 या 9 बजे कर देंगे रिलीज। सो गाइस आज का व्लॉग जो भी है जैसा भी है यही था, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चले जाना, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर देना, डिसलाइक का तो भाई ऑप्शन ही नहीं रहा अब तो यूट्यूब पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में आने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ा, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर।